पांच किस्म के मर्दों के साथ अपनी बेटी का निकाह कभी भी ना करना, अगरचे कि उनके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो, कितना ही पैसा क्यों ना हो। नंबर एक, शराबी। जो बंदा शराब पीता है, और लोग भी गवाह हैं, आपको मुकम्मल यकीन है कि यह बंदा शराब पीता है, उस बंदे के साथ अपनी बेटी का निकाह कभी भी ना करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने शराबी के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया तो उसने अपनी बेटी को गुनाह वाले रास्ते की तरफ रवाना कर दिया। इसलिए कि जब शराबी शराब पीता है, वो नशे की हालत में होता है, तो ना उसको अपनी बहन की पहचान, ना उसको अपनी माँ की पहचान, ना उसको अपनी बीवी की पहचान। वो नशे की हालत में अपनी बीवी को मारेगा, पीटेगा, बीवी को जलील करेगा, बीवी पर हाथ उठाएगा, बीवी को तलाक की धमकियां देगा, घर से निकाल देगा। और माज़अल्लाह, हो सकता है कि वो अपने शराबी दोस्तों को भी अपने घर में बुलाए और ज़बरदस्ती अपनी बीवी से जिना करवाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शराबी शराब पीता है तो उसके अंदर से गैरत ख़त्म हो जाती है, वो बेगैरत हो जाता है। तो क्या कोई बंदा चाहता है कि वो बेगैरत इंसान से अपनी बेटी की शादी करे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शराबी अगर बीमार भी हो जाए तो उस बंदे का हाल ना पूछो। बीमार शराबी का हाल पूछने की भी इजाज़त नहीं है। तो आप कैसे अपनी बेटी का निकाह शराबी के साथ कर सकते हैं? तो दौलत नहीं देखनी, पैसा नहीं देखना। अगर बंदा शराब पीता है तो आप किनारा करें, कभी भी अपनी बेटी का उससे निकाह ना करें। नंबर दो, सूदखोर। जो बंदा सूद खाता है, हराम खाता है, उस बंदे से भी अपनी बेटी का निकाह कभी भी ना करें। इसलिए कि जो बंदा हराम खाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका खाना हराम, जिसका पीना हराम, जिसका पहनना हराम, अल्लाह पाक उस बंदे की इबादत कबूल नहीं फरमाता, उसकी नमाज कबूल नहीं है, रोज़ा कबूल नहीं है, हज कबूल नहीं है, ज़कात कबूल नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जिस बंदे ने अपनी बेटी का निकाह सूदखोर के साथ कर दिया, उसने अपनी बेटी को जहन्नम में धक्का दे दिया। जब बंदा हराम खाएगा तो जाहिर है वो अपनी बीवी को भी हराम खिलाएगा, अपने बच्चों को भी हराम खिलाएगा। तो अगर वो सारी ज़िंदगी हराम खाएंगे, हराम पहनेंगे, तो ना उनकी नमाजें कबूल, ना रोज़े कबूल, ना हज कबूल, ना ज़कात कबूल। तो जाहिर सी बात है कि ये जहन्नम में जाने वाला रास्ता है। तो जो बंदा सूदखोर है या हराम कमाई करता है, और आपको यकीन है, लोग भी गवाह है कि इस बंदे का रिज़्क पाक नहीं है, हराम है, तो उस बंदे के साथ भी अपनी बेटी का निकाह कभी भी ना करें। नंबर तीन, जो बंदा फासिको फाजिर हो, बेहया इंसान, जिस बंदे के सामने उसकी माँ, उसकी बहनें नाचती हैं, उसको परवाह ही नहीं है, वो खुद भी साथ नाचता है, उसके सामने उसकी माँ, उसकी बहनें बेपर्दगी की हालत में मुंह खुला छोड़कर, टाइट्स पहनकर बाजारों को जाती हैं, लेकिन उस बंदे को परवाह ही नहीं है, तो उस बंदे के साथ भी अपनी बेटी का निकाह ना करो। आपकी बेटी पर्देदार है, पर्दा करने वाली है, हया वाली है, जब वो बेहया लोगों में चली जाएगी तो जाहिर सी बात है वो भी बेहया बन जाएगी। जब उस बंदे की माँ, उसकी बहनें बेहयाई करेंगी, नाचेंगी, गाएंगी, फहश किस्म की फिल्में ड्रामे देखेंगी, तो जाहिर है उनके साथ जाके आपकी बेटी भी वैसी बन जाएगी। तो जब भी अपनी बेटी का निकाह करें तो इज्जतदार लोगों में करें, बाहया लोगों में करें। इस तरह आपकी बेटी भी इज्जतदार रहेगी और बाहया रहेगी।
नंबर चार, जो बंदा अपने वालदैन की इज्जत ना करता हो, अपने वालदैन का नाफरमान हो, वालदैन को बुरा भला कहता हो, वालदैन को गालियां देता हो, वालदैन पर हाथ उठाता हो, उस बंदे से भी अपनी बेटी का निकाह ना करो। इसलिए कि वो वालदैन जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, एक बंदा उनकी इज्जत नहीं करता, उनकी परवाह नहीं करता, वो आपकी बेटी की क्या इज्जत करेगा, वो आपकी बेटी की क्या परवाह करेगा। अगर वो अपने वालदैन पर हाथ उठाता है तो वो आपकी बेटी पर भी हाथ उठाएगा। तो जो बंदा वालदैन का नाफरमान हो, वालदैन की इज्जत ना करता हो, उस बंदे से भी अपनी बेटी का निकाह ना करो। नंबर पांच, जो बंदा बेनमाजी हो, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता, तो उस बंदे के साथ भी अपनी बेटी का निकाह ना करो। हम रिश्ता देखने जाते हैं, अच्छा जी बड़ा घर है, बड़ी नौकरी है, रुपया पैसा कमाने वाला है, खाने पीने वाले लोग हैं, तो बड़े खुश होते हैं, जी हमारी बेटी की बड़ी अच्छी किस्मत है तो शादी कर देते हैं। कभी ये नहीं देखते कि यार वो पांच वक्त का नमाजी भी है कि नहीं, रोजा भी रखता है कि नहीं, जकात भी देता है कि नहीं, अगर उसके पास पैसा है तो वो हज करेगा कि नहीं करेगा, कभी गौर ही नहीं किया, फिक्र ही नहीं है। आपकी बेटी पांच वक्त की नमाजी है, बेनमाजी के साथ उसकी शादी कर दो जिसके घर में कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या होगा, नमाज का वक्त निकल रहा होगा, वो बंदा आपकी बेटी को लेकर बाजार में फिर रहा है, क्योंकि उसने खुद तो नमाज पढ़नी ही नहीं है, और फिर आपकी बेटी भी मजबूर हो जाएगी कि अब कहां नमाज पढ़ूं, ऐसे ही वक्त गुजर जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो भी बेनमाजी बन जाएगी। तो जब भी आप अपनी बेटी की शादी करो, बेटी का निकाह करो, तो देख लो कि मैं जिस बंदे के साथ अपनी बेटी का नाता जोड़ने लगा हूं, कहीं इन पांच बंदों में से तो वो कोई बंदा नहीं है, क्योंकि ये आपकी बेटी की जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, उसने सारी जिंदगी वहां गुजारनी है। तो बेटी का निकाह सोच समझ कर किया करें। दुआ है कि जो भी बेटियों वाले हैं और जब भी अपनी बेटी का निकाह करें, अल्लाह पाक उनको अच्छे रिश्ते अता फरमाए और नेक लड़के अता फरमाए।